गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 7 फॉर 6th क्लास एंड द चैप्टर नेम इज गेटिंग टू नो प्लांट्स। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव टू डिस्कस अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स क्या होते हैं, कुछ एक टाल होते हैं, कुछ एक स्मॉल होते हैं, और कितने कैटेगरी के अंदर इनको डिवाइड किया था, हर्ब्स, स्कर्ब्स एंड ट्रीज के अंदर। हर्ब्स क्या होते हैं, हमारे जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, और स्कर्ब्स क्या होते हैं, जो हमारे झाड़ियाँ होती हैं, इट मीन जो छोटे प्लांट्स होते हैं। ट्री क्या होते हैं, जो टाल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे मैंगो का ट्री। अब हम एक्टिविटी करते हैं 4। वी विल रिक्वायर ए हर्ब टू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड सम स्ट्रिंग। क्या करते हैं, हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्या एक तो हर्ब की, किसकी, हर्ब की, इट मीन झाड़ियों की, जो ट्री होते हैं, टू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग। ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार हम अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। टू ट्रांसपेरेंट बैग्स की और स्ट्रिंग की हमें क्या, धागे वगैरह की जरूरत होती है। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे ऑन ए समर डे। क्या होता है, सनी डे, इट मीन्स कि इस एक्टिविटी को आपको डे के टाइम में करना, उस टाइम सन के टाइम में करना, ठीक है। यूज़ ए हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बिन ग्रोइंग इन द सन। एक हेल्दी स्वस्थ एक प्लांट को लेना आपको, जो कहाँ ग्रो कर रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सन। फॉर दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के लिए, इनक्लोज द लीफ ब्रांच ऑफ प्लांट इन ए पॉलीथीन बैग एंड टाई अप इट्स माउथ एज इन फिगर 7.11। क्या करना है आपको, एक लीफ लेनी है, ठीक है। एक लीफ क्या लेनी है, एक ब्रांच ऑफ लीफ लेनी है, किसके अंदर, एक प्लांट की, जो पॉलीथीन, उसको क्या करना है, इन्हें पॉलीथीन बैग के अंदर, देन इसको क्या करना है, उसके माउथ को टाई अप कर देना है, इसको बांध देना है, जैसे आप 7.11 के अंदर देख सकते हैं। टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथीन बैग एंड कीप इट आल्सो इन द सन। क्या करता है, एक अनदर एम्प्टी क्या लेना है, हमें पॉलीथीन लेना है, उसके माउथ को भी हमने क्या करना, बांध देना है, उसको कहाँ रख देना है, सन के प्रेजेंस में रखना। आफ्टर फ्यू हावर्स, कुछ टाइम्स बाद, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द बैग्स, व्हाट डू यू सी। कुछ टाइम्स के बाद जो इनर सरफेस ऑफ द बैग में क्या देखोगे आप, व्हाट डू यू सी, आर देयर एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इन एनी ऑफ द बैग। क्या कोई ड्रॉपलेट दिखी आपको वाटर की इन दोनों बैगों में से, विच बैग हैज़ द ड्रॉपलेट्स, किस बैग में आपको ड्रॉपलेट दिखे, हाउ डू यू थिंक दे गेट दे गोट देयर, कैसे यहाँ तक आए ये। देन क्या होगा, वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन दी फॉर्म ऑफ वेपर बाय प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। क्या होता है, जो वाटर आया हमारे कहाँ, लीव्स के अंदर, किसकी फॉर्म में आया, वो वेपर्स की फॉर्म में आया, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। प्लांट रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर इन टू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। जो प्लांट्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं लॉट ऑफ, बहुत सारा वाटर, किसके क्या है, इन टू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस के द्वारा। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14 के। जब हम चैप्टर 14 में आएंगे तब इसके बारे हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। वाई डिड वी टाई ए बैग अराउंड द लीव्स, हमने टाई अप क्यों किया एक बैग को अराउंड द लीव्स को। वुड वी हैव सी द वाटर फ्रॉम द ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट्स और अदरवाइज व्हाट मेक्स द वाटर अपीयर ऑन द पॉलीथीन बैग्स। क्या है कि हमें क्या होता है, जो व्हाट वी हैव सी द वाटर फ्रॉम द ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट अदरवाइज, क्या होता है, जो ट्रांसपिरेशन के जो प्लांट क्या होता है, जो ट्रांसपिरेशन ऑफ जो प्लांट्स में वाटर कैसे क्या उसमें कैसे आया लीव्स तक, और जो वाटर कैसे अपीयर हुआ हमें पॉलीथीन बैग्स के अंदर, जो लीव्स के अंदर कैसे ड्रॉपलेट हुई आई वाटर की। चैप्टर 2 में हम नोटिस किया था कि जो वाटर चेंज होता है डिफरेंट फॉर्म में इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर, हमने क्या कुछ डिस्कस किया था, प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, है ना। यू कैन थिंक ऑफ दीज एंड नेम ऑफ द प्रोसेस दैट मेक वाटर ड्रॉप अपीयर ऑन द पॉलीथीन बैग। तो क्या है आप बता सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेस थे, हमने चैप्टर 5 में किए थे, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, ठीक है। लीव्स आल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस। लीव्स के अनदर फंक्शन भी होते हैं, चलो हम उनको स्टडी करते हैं। वी वुड रिक्वायर ए लीव, ए स्पिट, ए बीकर, ए टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, प्लेट एंड आयोडीन सोल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। क्या होते हैं, इस एक्टिविटी के लिए हम डिफरेंट क्या हमें रिक्वायरमेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए हमें, एक आयोडीन सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, आयोडीन का सोल्यूशन। पुट ए लीफ इन ए टेस्ट ट्यूब एंड
pure spit is completely cover the leaf. Now put the test tube in a beaker half filled with water. जो test tube को कहाँ रखना है, हमें एक beaker के अंदर उसको half of water उसके अंदर add कर देना है, fill कर देना है. Heat the beaker till all the green color from the leaf comes out into the spit in the test tube. क्या होता है, जो heat करना है हमें किसको, beaker को, जब तक जो green color है उसका leaf का वो बाहर आ ना जाए test tube से. क्या जब तक वो जो ग्रीन कलर है हमारे लीव्स का वो कम्स आउट हो जाए कहाँ पे, टेस्ट ट्यूब के अंदर. टेक आउट द लीव केयरफुली एंड वॉश इट इन द वाटर. जो लीव को अच्छे से लेना है ध्यानपूर्वक, और क्या करना है उसको हमें वॉश इट करना है. पुट इट ऑन ए प्लेट. इसको कहाँ पुट करना है, प्लेट के अंदर, जैसे आप इस फिगर के अंदर देख सकते हो कहाँ इसको डाला. एंड प्योर हम आयोडीन सोल्यूशन ओवर. और क्या है, कुछ आयोडीन सोल्यूशन, जैसे आप 7.12 के अंदर देख सकते हो. ये हमने क्या, इसको बंद किया, ये हमने एक बीकर लिया, बीकर में टेस्ट ट्यूब लिया, ये हमारे लीव्स थी, फिर इसके अंदर किसी एक प्लेट के अंदर डाल दिया. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे. कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोस डन इन चैप्टर 2 के अंदर. आपके ऑब्जर्वेशन को किसके साथ कंपेयर करना जो हमने चैप्टर 2 के अंदर की थी. व्हेन यू टेस्टेड फूड द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. जब हमने टेस्ट किया था जो प्रेजेंस ऑफ क्या, डिफरेंट फूड की, किसके अंदर, न्यूट्रिएंट्स के अंदर. डस जो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं हमारे, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, जो किसके अंदर आते हैं, सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स के अंदर. डस दिस मीन्स दैट द लीफ हैज स्टार्च इन इट. इट मीन्स क्या होता है, लीव्स के अंदर क्या स्टार्च है. इन चैप्टर 2 के अंदर वी सॉ दैट ए स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो आल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. हमने एग्जाम्पल भी किया था, एक्टिविटीज की थी, एक्सपेरिमेंट क्या किया था हमने, क्या था, एक पोटैटो के लिया था, उसको 2 पीस के अंदर हमने डिवाइड किया था, फिर उसके ऊपर हमने आयोडीन टेस्ट करके देखा था, देन क्या हुआ था, उसका कलर ब्लैक या ब्लू में चेंज हुआ था, इट मीन्स उसके अंदर क्या है, स्टार्च अवेलेबल था. ठीक है, पोटैटो गेट दिस स्टार्च फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड स्टोर इट. क्या आता है, कहाँ से ये इसको क्या करता है, कहाँ से इस जो पोटैटो कहाँ से गेट करता है स्टार्च को, अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स के, उसको स्टोर करके रखता है. हाउएवर लीव्स अपीयर दिस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जो लीव्स कैसे प्रिपेयर करती है आपका फूड, आपको सभी को पता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन कलर प्रेजेंट इन दैम. उनके अंदर ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, ड्यू टू क्लोरोफिल के कारण. फॉर दिस दे यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ये वाटर को और CO2 को, इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिसको आप अच्छे से बहुत अच्छे से पहले पढ़ के आए. फोटोसिंथेसिस इट मीन्स जो फूड, जो प्लांट्स होते हैं अपना भोजन कैसे प्रिपेयर करते हैं, अपना फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस. जो ऑक्सीजन को क्या होती है, गिवन आउट होती है इस प्रोसीजर में. द फूड प्रिपेयर बाय लीव अल्टीमेटली गेट स्टोर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. जो क्या होता है, जो फूड जो प्रिपेयर हुआ है अल्टीमेटली क्या होता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, सारे के सारे जो प्लांट होते हैं पार्ट के, जैसे स्टेम, रूट्स वगैरह में, लीव्स में, वन बाय वन उसको स्टोर होता रहता है. हाउ डू यू नो दैट द लीव्स हैज प्रिपेयर्ड द स्टार्च एंड नॉट रिसीव्ड इट फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट. अब कैसे देखेंगे, लीव प्रिपेयर करती है स्टार्च को एंड नॉट रिसीव अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट से. टू टेस्ट दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी कैन बी रिपीटेड विद अ लिटिल डिफरेंस. अब जो हम अगली एक्टिविटी करेंगे वो इसकी तरह ही होगी, बट सम लिटिल डिफरेंस. ओके, तो आप क्या करना है, यहाँ तक इसको रीड आउट करना है. थैंक यू वेरी मच.